नांदेड़ जिले में पिछले 4 दिनों से जारी रिमझिम बारिश के सबब शहर व तालुकाजात के मकानात में बारिश का पानी टखनों तक दाखिल हो चुका है, जिसके सबब कई अफराद व खवातीन परेशान हैं। शहर के अर्दापुर तालुके में भी वार्ड नंबर 16 रहीमपुरा मोहम्मदिया नगर इलाके में बुनियादी मसाइल ठप पड़े हुए हैं। इलाके में कई मकानात बारिश के पानी के सबब गिर चुके हैं। इसी तरह इलाके के मुकामी बाशिंदों का इल्ज़ाम है कि इनके मसाइल के हल के लिए कोई भी अहदेदार व मुकामी कारपोरेटर्स अभी तक नहीं आया। वार्ड नंबर 16 रहीमपुरा मोहम्मदिया नगर इलाके में इस तरह के मसाइल से लोग पिछले कई बरसों से दो चार है। नालियों का आलूदा पानी रास्त तौर पर मकानों में दाखिल होने के सबब इलाके में कई तरह के अमराज फैलने के खदशात रोनुमा हो रहे हैं। पानी देखो घर में, और रात भर हम बच्चे लेके पलंग पे बैठे आ रहे, सांप आ रहे, बिच्छू आ रहे, उसमें परेशानी। हमारी घुटनी तला वसरी में पानी है, सब दीवाला कच्चे हो गए, अंदर के रूम में पानी घुस रहा हमारे सब। हाँ, दो जर वालों बुलाए तो कोई आ रही नहीं नाला निकालने को, देखने को इधर तैयार नहीं है कोई। फिर कुछ तो भी करो ना उसका, हमारा 5-6 साल हो गए। वो चढ़ लगो पानी जाता, वहाँ से पूरा अंदर घुसता हमारे अंदर रूम में। रात भर बच्चों को लेकर पलंग में बैठा रहा था। कौन थे नगर सेवक है, कौन थे सरपंच है, कौन थे क्या है, हमको पता नहीं है उनका क्या है क्या नहीं। मरे क्या जीते क्या, उनकी खबर लेने को खाली नहीं है। रात भर परेशान जा रही हमारे बच्चों को लेकर बैठ के, रात भर नींद को चैन नहीं। बोले सर की खाने पीने को पकाने को जगह नहीं रहता हमारे 10-15। अब एक एक बच्चा कमाने वाला इतने जाने का बरसात का काम लग रहा नहीं लग रहा। हाँ, 4-4, 5-5 बच्चे उनको छोटे छोटे, एक एक बच्चा काम करने वाला, उसमें 3 बच्चे काम करने वाले, 10-15 जने खाने वाले ही। कभी काम लग रहा कभी नहीं लग रहा बरसात का, क्या करेंगे हम। घर को लेना कुछ देना, यहाँ कोई आके देखने को दीवार तक नहीं हमारे घर को, पत्रा लगा के रह रहे हम। नाले की परेशानी, छोटे छोटे बच्चे, पूरा घर में पानी घुस गया। कम नाला है, पूरा घर में घुस रहा नाला। हाँ है क्या, कोई तो भी देख रहा है। वोट के अखात हम दौड़ते आते हैं, ये पानी की देखो कितनी परेशानी हुई। करना ना गरीब गुरबा का, बच्चे बीमार हो रहे, जाड़ा आ रहा, बुखार आ रहा, परेशानियाँ। हाँ, गरीबों का मसला हल करना ना। देखो जरा कितना पानी है, तो पूरा घर में घुस गया। कहा रहेंगी बच्ची किराए से, मरा छोड़ के चलेगा। 2 साल हो गए, छोटे छोटे औरत बैठे हैं, सीजर से हुआ विष्णुपुरी में है। गरीब का मदद करने वाला कोई समझने को होना ना। हाँ, हम अशोक राव को डालते पंजे कुछ है हमारे 8 वोट है। हाँ, उन्होंने घर वालों बोले थे ये नाला बोले हम पूरा बनाएंगे बोले। हाँ, हमारे पटेल के आए थे, जब नाला हम पूरा करके देंगे बोले। नहीं बनाया अभी तक, माँ बोले नाला तुम्हारा वहाँ से बना देंगे बोले। हाँ, देखो तुम अंदर हाल क्या है घर में। बोलना ये हमारी मजबूरी बताएंगे ना, घर में पानी, आटे में पानी, कपड़े भीगे आले है क्या, घर में जरिए भी जगह। इतना बड़ा सांप निकला रात को, बच्ची को हमने इधर लाया, तो हमारा देखना ना उन्होंने ये परेशानी को, मजबूरी को नाला बना देना। अब बोलो लोगों, बोले तुम खड्डे में कहीं पूरे कहाँ रहेंगे, घर आने रहे तो परेशानी में। गरीब आदमी कमाई नहीं कुछ नहीं, गरीब आदमी बीमार रहा तो जल्दी ऑटो आता नहीं है, तड़पन देते गरीब आदमी को। हाँ, पैसा नहीं रहा तो बोलते डालो विष्णुपुरी में लिया। गरीब के मदद तुमको काम है तुम्हारा करना, हम तुमको वोट डालते, तुम्हारा ख्याल करते, दौड़ते भागते, 50 औरतें काट के लेके जाते कि हमारा कुछ करेंगे बोल के। तुम्हारा काम है करने का, हमारे पे ख्याल करने का। तुम्हारा एक बार हम वोट डाले तो तुम मरे जिंदे देखते नहीं। पानी घुसो, आटा भिगो, बच्चे बीमार पड़ो। दवाखाने में एक बच्चा बीमार हुआ तो 2-2.5 हज़ार रुपये लग रहे, कहाँ से लेंगे गरीब आदमी। बोलो ना, तो काम करते बोलते हो ना, और डालते खतबाद में काम नहीं करते। हाँ बताए ना, हम ला के बताए। धर्मराज के यहाँ भी आए थे, उन्होंने ये देखने के वास्ते बैटरी लेके रात का बड़ी बड़ी हम कर लेते बोले, कोई भी नहीं कर रहा कुछ। पहले कोरोना था, बाद में कोरोना हुआ जी, कोरोना पहले नहीं था। 5 साल हो रहे ये काम करने के, पहले कोरोना नहीं था। तुम बताओ, मैं तुम्हारे अंदर घर खोल के बताती कितना हाल बुरा है। चूल्हे में पानी, आटे में पानी, कपड़े भीगे आले। अब गरीब आदमी नाले में नहीं रहेगा, यहाँ घर कुल नहीं कुछ नहीं, बिल्डिंग वाले के डबल बिल्डिंग बने जाए, ट्रिपल बिल्डिंग बने जाए, और गरीब मर जा रहा है हाथ में खोर। उन्होंने मस्त तो सो रहे एसी में, और गरीब को बराबर यहाँ घर नहीं ना, ये नाला बंद है वाला। हमारे घर में रात में इतना पानी था, घुटने इतना, कैसा करना हमारा पानी। एक भी नहीं आ रहा, कोई भी नगर से नहीं आ रहा, कोई नहीं ना। हमारे घर में पानी उतना है तो कैसा करना हमारे छोटे आए। जब से पानी गिर रहा जब से परेशानी है। देखो पानी आना किसके घर में, वो बाजू वाले के यहाँ जाके सोना, उन्हें 8 दिन सोना, इन्हें 8 दिन सोना, ये ऐसे पानी आया कि सब चल जाते। अब यहाँ पे ओपनिंग हुई हमारे MIM की, कुछ बच्चों ने यहाँ पे MIM की बाड़ी बनाई,
बनाए बोल के यहाँ पे नगर से होगा जेसीपी लाते ये लाते वो लाते बोल के दो दिन पहले बोल के चले गए। अभी कोई आया नहीं, अभी घर गिर गया, वो भी औरत बेचारी दूसरों के। अब इसके यहाँ पे पूरा पानी है, अब इन्हें भी कहाँ जाना, फोन किसका सुन देगा क्या? देखो तुम ही देखो समस्या है, पूरा नाला पूरे गांव का पानी यहाँ आता। दो तीन साल हो रहे हैं दादी, पुरानी भी नहीं है बात। घर आने का क्या है, आते व्हाइट कपड़े डाल के आ जा रहे, सब जमा हो रहे। हाँ मैं कर दो तो मैं तसा कर दो आसा कर दो बोले कि नहीं कि इन्हों भी सब गपचुप बढ़ जा रहे, जिसके उसके काम अब लग जा रहे, पानी नहीं गिरा कि उन्हें बोले पानी नहीं गिरा। मनो अब कैसा है वो नई बाड़ी तैयार होने से, अल्लाह मियां ने बोले एक मौका है मारो चौका, पानी गिर गया फिर वो सब ने गर्म में चौका मार दिए उनकी सालों को। अब ऐसा हो रहा तो आज सुबह से बोले जेसीपी लाते पर कुछ भी नहीं लेके। ये वार्ड नंबर 16 है, अशोक राव साहब ने हमारे 50 बार कम से कम ये बोले कि रोड का काम करते, इलेक्शन आया कि नो बोले रोड का काम करके देते। बच्चों को अरबी को जाने के लिए कि पूरे चिक्कड़ में पावा भर रहे, इधर से आने जाने की दुनिया की तकलीफ है, चिक्कड़ है। अमित भाभी ने भी बोले थे कि इलेक्शन के बाद हम तुम्हारे रोड का काम करके देंगे। कम से कम 15 साल से इन्होंने हमारे ऐसी बोले कि आज करते कल करते परसों करते, कई बार तो इन्होंने टेपा लगा के गिनते जा रहे आ रहे, और कभी अभी तक इन्होंने काम नहीं करे हमारे गली का। हमारी ये निवेदन है कि भाई हमारे गली का काम रोड का काम करके दो जल्दी से जल्दी, बच्चों की परेशानी बहुत हो रही आने जाने में। कुछ इतने बोले बजट इतने आया बोले, और बजट आया तो क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं कुछ। इंशाल्लाह हम हमारे हिसाब से करेंगे, आप क्या करने का है तो आप किसके भाई का नहीं आएंगे हम। और मेरे पास विसुट भी है उसके पास, दिवाली कई साल जो इलेक्शन हुआ साहब का, भाभी भी आए थे, भाभी को भी रुका के यहाँ सत्कार करे हमने, उनको भी ये बताए कि इलेक्शन हों दो साहब की उनके आने के बाद में कर लेती रोड का नाले का, पर अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। अभी उनको लीडर को बोलने के बाद भी लीडर तो हमारा झक के देख रहे नहीं, 16 का लीडर कहाँ है पता भी नहीं हमको, ना कचरे का व्यवस्था है, ना पानी का है, ना कहीं का है, ना झाड़झूड़ का है, ना आज तक कोई लीडर हमारे पास आके नहीं देखा। तो हमारे पास एक रुपए का भी बजट नहीं करे ना, उनको वार्ड में काम नहीं करे ना, कहाँ कोटी आए तो इसका बजट आया वाला है, आश्वासन दे रहे बजट आया वाला है, बजट मगर आज तक नहीं आया इसका। एक बार खाली आए यहाँ दरअसल का मटेरियल डाले और उठा के लेके चल गए, बोले कि हो हम काम कर रहे इलेक्शन के टाइम पे मटेरियल डाले थे, बाद में हो ट्रैक्टर लाए भर के लेके चल गए इलेक्शन हुआ। अभी हम उनकी तैयारी करेंगे ना इंशाल्लाह, हम उसका बिल्कुल ये करेंगे। हम कुन पानी पूरा आमच्या घराने शिराले तो पाण्यानच पडे कोणीच बघा येणं आले इकडे आम्हाला मेले की जिथे 5 वाजता उद्घाटन झाले असं नालीचं या रोडचं कोणीच बघणं आले सांगाय गेलं तर कोणी येणं आले कणावर येणं आले लोक मोले बाळातील लोक मी लोकांच्या घरात घेऊन राहिलो पाणी घरात शिरलं होतं। इन मसाईल को देखते हुए इलाके के मजलिस के सरगर्म जिम्मेदार वसीमुल्ला के हमरा अर्धापुर तालुके के मजलिस के जिम्मेदार ने वार्ड नंबर 16 रहीमपुरा मोहम्मदिया नगर इलाके का दौरा किया। इस इलाके में परेशान हाल अफराद से डोर टू डोर पहुँच कर इन्हें दिलासा दिया गया और ये यकीन दिलवाया कि वो इनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वाज़ेह हो कि 4 दिनों से जारी रिमझिम बारिश गिरने के सबब परेशान हाल अफराद में मजलिस के सरगर्म जिम्मेदार वसीमुल्ला की जानिब से मुफ्त में लोगों में खिचड़ी तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म जिम्मेदार वसीमुल्ला, मजलिस के ताल्लुका सदर मोहम्मद शकील, अलीम दादा, अब्दुल रहीम, सैयद अलीम, रफत खान व दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। घरों में पानी घुस गया, उनको सोने को कोई जगह नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले आ रहे हैं, इनको आश्वासन दे के गए थे, अभी तक तो आए नहीं। 5 साल से आश्वासन दे के जा रहे, अभी तक आए नहीं। अब हम एमआईएम में ज्वाइन हुए, अब हम यहाँ से हमारी जिम्मेदारी करके और हम हमारी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे और पूरी जिम्मेदारी से सबका काम करेंगे एमआईएम की पार्टी की तरफ से। और इससे इतना पानी उसमें जमा हो गया है, आप देख रहे नहीं कि आप लेडीज ने पहले क्या बोले, उनको सोने को नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो है, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, वो कहाँ करेंगे। ये कांग्रेस वालों को नहीं समझ रहा, खाली इलेक्शन के वक्त आ रहे, चूल्हा सिलगाने को जगह नहीं है हमारे पास, इसको उसके ला के खिलाना पिलाना पड़ रहा। एमआईएम के तरफ से साहब, मेरे तरफ से तो ये कोशिश है, मेरे घर में 20-25 औरतें सो सकते, बच्चे सो सकते, मैं मेरे घर में मेरा घर खाली करके मैं मेरे घर में लेके जाके वो लोगों को सुलाना चाह रहा हूँ। हाँ, आलू बिरयानी वाटअप करे क्या, और अब इंशाल्लाह यहाँ से अब एमआईएम वाले बराबर करेंगे, खाना खिलेंगे और उनको हमारे घरों में सुलेंगे। नंबर 16 के अंदर अभी हम आए, अभी इतनी बड़ी समस्या है कि संजय लाहनकर ने इस नाले का उद्घाटन किया, उद्घाटन करने के बाद 4 साल हो गए तकरीबन, उसके अंदर पानी घुस गया, आपने दिए ना छुट्टी, घरों के अंदर पानी गया, पानी जाने के बाद हमारी टीम वसीम भाई, हमारे शकील, अब्दुलरहीम, हमारी जितनी भी एमआईएम की टीम है, हम 2 दिन से 3 दिन से रात से हमारा एक नाम दो सरोदे काउंसलर भी काम कर रहा है, पानी निकाल रहे हैं लोगों के घरों की, जाके जो भी समस्या है वो देख रहे हैं आगे कैसा
गया है, लोगों घरों में पानी घुस गया, परेशान लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, करके खाने वाले कोई देखने वाला नहीं है। आज पानी में फिर के हम सर्वे कर रहे, लोगों का देख रहे कि भाई क्या क्या कैसी परेशानी जा रही है लोगों के घर में पानी घुसा। जी सी बी मंगाए अभी इधर उधर से निकाल, जासूरा चौहान साहब यहाँ से चुन के आए वाले हैं, यहाँ उनका मदर संघ है, इतनी परेशानी जा रही, इतना भी गुत्तेदारी इनके, ऐसे वैसे अमिताभ भाभी भी आए थे इसके पहले उद्घाटन करके, तुम्हारे वो संजय लहानकर आके उद्घाटन करके गए, मगर कुछ इसका असर नहीं गिरा। अभी ऐसे ही कर रहे हैं, इसके पहले भी जो 15 साल हो गए तकरीबन ये लोगों के घर वैसी छे, अभी 2-4 घर गिर गए, इतनी परेशानी है कि लोगों को कम से कम स्कूल तो खोल के देना, यार लोग रहेंगे कहाँ, परेशानी है, लोग परेशान हाल है। ये वार्ड नंबर 16 है, यहाँ लोगों की इतनी समस्या है, कांग्रेस वाले आ रहे ओपनिंग करके जो है सो जा रहे, आज ये पानी का मसला लगातार 2 दिन से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई जनों के घर गिरे, कई जनों के दीवार गिरे, अनाज पानी का नुकसान हुआ, मगर जो पालक मंत्री है वो अर्धापुर पे जो है सो उनका ध्यान नहीं है। बड़े लोगों ने उम्मीद से जो है तो बहुमत कांग्रेस का चुन कर दिया था, मगर आज नगर सेवक जो सत्ता में है आज वो घरों में सो रहे हैं, आज ये गरीब लोग जो है सो परेशान हैं। तो हमारी यही है कि हम पूरी MIM की टीम मिलकर जितना हमारे से ये होता हम सपोर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे जो लोगों का लॉस हुआ उसकी भरपाई करें।